Merry Christmas to all of the people who are peace lover, who do for justice and sacrifice their lives for the peace of other people of their homeland. आज का पैगाम क्रिसमस के हवाले से तमाम मसीहियों के लिए है और एक आयत कलाम मुकद्दस की आप पर वाज़े करना चाहूँगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नेमतें तरह तरह की हैं और इसके आगे और पीछे क्या मफहूम है, अक्सर चरवाहे या मसीही लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देते। इसको पॉजिटिव वर्स मानकर और अपनी कोताहियों और कमियों और बेईमानी और बदनीति को छुपाने के लिए ऐसी आयात का इस्तेमाल करते हैं और ये रूल को डस का काम नहीं होता। ये दूसरा रूह है कि जो ऐसे लोगों में सराइयत कर जाता है। कलाम मुकद्दस में ये आयत इसलिए नहीं कि रूह की हदायत, रूह के फल और ईमान को तबाह कर दे, बल्कि ईमान का ताल्लुक इंसानी किरदार, उस ईमान, उस सेक्रिफाइस और उसके नतीजे में मिलने वाले फलों का इख्तियार है। पाखरू जिनमें है वो फलों पर ध्यान देते हैं और रूल कुदस उनकी मदद करता है वो फल तलाश करने में और फैसला करने में। इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि एक खिदमतकार अपने फायदे, अपना पैसा, अपना आराम, अपनी तकलीफें भूलकर दूसरों के लिए अपने आप को वक्फ करता है तो ये उसका म्यार और ओहदा और नेमत अफसल तरीन है। यही वो अफजल नेमत पालूस रसूल को, पतरस को और तमाम खिदमतगारों को दी गई जिन्होंने उसी यीशु के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया और एक आला मर्तबा कलीसिया की नजर में और दुनिया के बादशाहों और तमाम नेक नामों की नजर में पाया। अब दूसरी तरफ एक ऐसा खिदमतकार है कि जिसका ताल्लुक सिर्फ अपनी कलीसिया या अपने घर, अपने मोहल्ले या अपने दोस्तों तक है और वो उनमें अपनी बढ़ाई चाहता है, तो वो अच्छा गायक हो सकता है, वो अच्छा डीलर हो सकता है, वो अच्छा पास्टर हो सकता है, कैटेकिस्ट हो सकता है, वो अच्छा इंसान हो सकता है, मगर रूल कुद्दस का उसकी अच्छाई और बढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं। अब वो इसको भी नेमत कहेगा, यकीनन नेमत तो है लेकिन मर्तबा और काम और वॉरियर्स ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये पहले खिदमतकार और ईमानदार से कभी भी आला मकाम नहीं रखती।
मगर अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। जो बाइबल अपने हाथ में रख ले वो समझता है बाकी दुनिया के तमाम इंसान जो हैं वो उससे कमतर और उसके बाद के हैं। यही वो भटकाने वाली रूह है, यही वो भरमाने वाली और सफेदी फिरी कब्रें हैं कि बाइबल की आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाना और गले फाड़ फाड़ कर बताना ये रूल कुदस का काम नहीं है। वो अपनी नमाइश और अपनी आवाज के बलबूते पर अपनी जुबान की तुर्शी के बलबूते पर आगे बढ़ने का मकसद रखते हैं और ये जाती मकासद होता है। इसका आखिरी जो फल होता है वो ऐशो इशरत, पैसा, रुपया पैसा, दौलत, जायदाद, बैंक बैलेंस, बैरून ममालिक की सैर, जबकि वो भेड़ों का चरवाहा है और भेड़ें मुसीबत में, भेड़ें भूखी, भेड़ें नंगी, बीमार, रद्द की गई, नफरत का शिकार, वो खुद ऐसे तीर नहीं खाता। वो खुद को जो है मसीही कहलाने के लायक भी नहीं है, जिसकी भेड़ें खौफ में हों, भूखी हों, नंगी हों, कैद में हों, उस पर तमाम नेमतें हराम हो जाती हैं, क्योंकि नेमत का ताल्लुक खुदा से है और खुदा का ताल्लुक इंसान के करदार और सोच और उसकी वफादारी और खिदमतकारी पर है। कलाम मुकद्दस के खिदमतकारों को खुदा ने तीन तरह से डिवाइड कर रखा है। नंबर वन चरवाहे, नंबर टू वॉचर्स, वॉरियर्स ऑफ गॉड्स किंगडम, और नंबर थ्री शीप्स यानी भेड़े। जो भेड़ है वो चरवाहे के पीछे होती है और उसकी तमाम मसाइल, मुसीबतों, परेशानियों का सबब चरवाहा है। भेड़ खाई में जाती है तो चरवाहा उसके साथ खाई में उतर कर अपनी जान को मुसीबत में डालकर उसे बचाने का फर्ज रखता है, मगर ऐसा फर्ज 1400 साल और 2000 साल से बहुत कम लोगों ने निभाया। वो चाहे वेटिकन था, चर्च ऑफ इंग्लैंड था या कोई भी चर्च, उसमें ना तालीम का आंसर पाया गया, ना सेल्फ रिस्पेक्ट का, ना कानूनी हकूक का, ना ह्यूमन राइट्स का। तो ये सोचने वाली बातें हैं। पाकिस्तान की मूवमेंट के अंदर क्रिश्चियंस का बराबर का हिस्सा और बराबर की मसाइल और मुसीबतें थी, मगर उनसे तो वो भी ले लिया गया जो पाकिस्तान बनने से पहले था। वो चाहे एफसी कॉलेज था, चाहे वो कॉन्वेंट्स थे, चाहे वो चर्च थे, चाहे वो कम्युनिटी हॉल्स थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स थे, और किसी भी मुआशरे के ये नगीने होते हैं, वो तो नगीनों के ताजर थे, इलम बांटने के, पीस को बांटने के। तो उनके साथ अगर ये रवैया रखा गया तो यकीनन वो नेमतें अजीम थीं, और जिन्होंने उन नेमतों का की कदर ना की वो खुदा के लायक नहीं। ये वही रूह है जिसको खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये देखने में खुदा के खिदमतकार हैं मगर अंदर से अपने ही खिदमतकार हैं।
देखने में उस खुदा के वफादार है मगर अंदर से अपने ही खुदा के वफादार है। वो तमाम सेनेटर्स जो पाकिस्तान की असेंबलियों में बैठते हैं, वो तमाम असेंबली और वजीर आजम और प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ्स मसीही स्कूलों, मसीही कॉलेजेस की, मसीही किताबों की स्टडी से इस काबिल हुए और इस्लाम में भी उस्ताद का जो मकाम है वो बुलंद है। मगर उन असेंबलियों में, उन सेनेट्स में मसीहियों को किस नजर से देखा गया, किस नजर से बयान किया गया, किस नजरिए के तहत उनको हकूक दिए गए, ये तारीख में रकम हो चुका है और वो जवाबदेह हैं हमेशा के लिए। आज खुदा की बादशाही जमीन पर आमजूद हुई है और वो अपना पैगाम और अपना ऐलान और अपना तख्त बड़े जबरदस्त तरीके से सजाने वाला है और ऐसों का मुकद्दर सिर्फ दांत पीसना और हमेशा के लिए अपनी ही दौलत और अपने ही माल और अपनी ही तबलीग के बदौलत तबाह बर्बाद होने वाला है। जमीन फटने वाली है, निगल जाएगी ऐसे शहरों को जिस शहर पर बेकसों को, बीमारों को, नंगों को मजाक बनाया गया। निकल जाएगी वो सरहदें जिनको खुदा ने तहफ्फुज के लिए बनाया मगर वो ऐसा बटोरते रहे। आम इंसान का मूल डालते रहे और कीमत वसूल करते रहे। निकल जाएगा उन सियासतदानों को जिन्होंने रियासत से गैर वफादारी की, पैसा कमाया, महंगाई की, मंसूबे लूट लिए, नफरत पैदा की, फिरके बनाए और हर तमाम तरह की बुराई को फरोग दिया। निकल जाएगा उन मसावात और इंसाफ के इदारों को जिन्होंने गरीब को तो जेल में डाला और अमीर के लिए रास्ते बताए, चाहे वो वकील थे, जज थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, सबका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मसीह से है। वो मुंह से इनकार करें ना करें मगर उसकी बातों को जरूर अपने काम में लाते हैं। वो माफ करने की बात भी करते हैं, वो सब्र की बात भी करते हैं, वो कुर्बानी की बात भी करते हैं, वो मोहब्बत की बात भी करते हैं, वो बुराई की बात भी जानते हैं, गलत क्या है, दुरुस्त क्या है, सब इलम रखते हैं। और बाइबल का कलाम ऐसे ही बोलता है, वो रूहों पर मोहर करता है और जिन रूहों में ये इलम था और उन्होंने इंसाफ ना दिया, तरक्की ना दी, सुलह को फरोग ना दिया, अमन को फरोग ना दिया, इंसाफ ना किया, एक इंसान को दूसरे इंसान से ना जोड़ा बल्कि उनको फाड़ डाला, भेड़ों की ऊन फिर गोश्त खा डाला, बच्चियों को बर्बाद कर डाला, वो किसी रहम और किसी मोहब्बत के लायक नहीं है। आज उन मसीहियों को इस बात पर ध्यान देना होगा और अपने हकूक की आवाज, अपने एहतराम और ह्यूमन राइट्स की पहचान होना ही होगी। दौलत खुदा से दूर करती है मगर गुर्बत
खुदा के नजदीक ले जाती है। और ये आयत चरवाहों के लिए है, भेड़ों के लिए नहीं। चरवाहे अपनी होशियारी से ये आयत गरीबों पर डालकर उनको तसल्ली देते हैं, मगर खुद दौलत का एक एक पैसा वसूल करते हैं। वो किसी को कर्ज दें तो माफ नहीं करते, किसी को नंगा देखें तो अपनी जेब से उसको नहीं ढांकते, भूखा देखें तो अपनी रोटी में से रोटी नहीं देते। और ये जुल्म है इस जमीन का, धोखा है इस जमीन का। इस जमीन पर बहुत से लोग ये कहें कि 90% से ज्यादा ऐसे ही है, बहुत कम लोग हैं वफादार, इंसाफ पसंद, सच को जानने वाले, जो बाइबल को एहतराम देता है मगर बाइबल के खिलाफ चलता है, वो खुदा का नहीं। बाइबल किसी को मजहब की बुनियाद पर नहीं परखती और ना ही उसे इनाम देती, बल्कि उसकी खिदमात, उसकी सोच, उसकी अकल, उसकी पर्सनैलिटी, उसके एजुकेशन, उसके सोशल वर्क की बुनियाद पर, वो बेशक हिंदू हो, सिख हो, कोई पारसी हो, चाइनी हो, कोरियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी खिता हो, कोई भी उसका मजहब हो, क्योंकि खुदा रूह है। जो रूह गंदी है, वो चाहे चर्च पर है, वो चाहे मक्का में है, मदीना में है, वो होली टेंपल्स में है, बादशाह पर है, वो गंदी ही रहेगी। और ऐसी गंदी रूहों को धोने की कुव्वत सिर्फ उसी यीशु के पैगाम, मोहब्बत और उसकी कुर्बानी और उसके हमेशा के लिए बहाए गए लहू के लिए है। आप ईमान रखें कि आज के बाद जमीन पर खून नहीं बहेगा। आप इस बात का हलफ उठाएं कि आज के बाद किसी से नफरत और ज्यादती नहीं की जाएगी, क्योंकि जमीन पर किसी शय की कमी नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना खुशियों की, ना दौलत की। इसके बावजूद लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो जहर खा ले, खुदकुशी कर ले, आग में कूद जाएं, पानी में डूब जाएं। और यही खुदा की नफरत का सबब बनता रहा है। जब इंसान का खून बहाया जाता था देवतों के आगे, तो खुदा को देवतों से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि वो ऐसे ही हैं। मगर इंसान तो खुदा का था, उसने कहा खून ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, नफरत ना फैलाना, बेइंसाफी ना करना, मगर ये सब कुछ होता रहा, जिससे वाजे है कि बुत परस्ती खत्म नहीं हुई बल्कि चेहरा बदल गई है। और वो रूह ऐसी ही चालाक है, भेड़े सादा रूह हैं मगर चरवाहे चालाक हैं। खुदा देखता है मगर वो समझते हैं, खुदा की आंख नहीं। खुदा सुनता है मगर वो कहते हैं खुदा के तो कान नहीं। खुदा बोलता है मगर वो कहते हैं कि खुदा की तो जुबान नहीं। जाने ऐसे लोगों को, वही जमीन का जुल्म और बुराई है, उनकी भूख नहीं मिटती।